गोरखा हित सर्वोपरि। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के भ्रात संगठन गोरखा नेशनल एक्स सर्विसमैन्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री जे आर देवान का आकस्मिक निधन हो गया है। उनके निधन पर गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष मनगी सिंह ने कहा कि समूचे समाज के साथ पार्टी को भी देवान के निधन से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। देवान ने कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित तरीके से पूर्व सैनिकों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। वो हमेशा चिंतित रहते थे कि गोरखा समाज को जल्द ही जाति और मिट्टी का अधिकार मिले। वो हमेशा कहते थे कि गोरखा समुदाय को एक ही रूप में आगे मिलकर काम करना चाहिए, जिससे एकता प्रदर्शित हो और समुचित विकास हो। पार्टी अध्यक्ष मनगी सिंह ने देवान के निवास पहुंचकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं पूरे गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस दुख की घड़ी में ईश्वर के धीरज के लिए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मौके पर उनके साथ दार्जिलिंग ब्रांच के अध्यक्ष अजय एडवर्ड के साथ कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में परिवार का ढाढ़स बढ़ाया। देवान नेता उम्र सुभाष घिसिंग के सिद्धांतों और विचारधारा का पालन किया। आज पहाड़ एक अपने महान गोरखा नेता को खो चुका है, एक ऐसा नेता जो लगातार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित थे एवं उन्होंने अपने समाज के पूर्व सैनिकों के लिए जो काम किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। एक बेहतरीन काम करने वाले देवान को वीर गोरखा वेब टीवी का भी सलाम है।